दोस्तों अक्सर आपकी गाड़ी बाइक स्कूटर के शॉकर जो है लीक कर जाते होंगे, खराब हो जाते होंगे, पर आज हम आपको दिखाएंगे कि जो शॉकर है अगर आपके खराब हो गए तो उनको रिपेयर किस तरीके से करा जाता है। हमारे सामने अंकल जी से आइए चलते, इनसे जानकारी लेते हैं जो पुराने शॉकर है उनको नया जैसा कैसे बनाए। नमस्कार अंकल जी। हाँ नमस्कार भैया। सबसे पहले अंकल जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भैया मोहम्मद जाहिद है, बाबर कहते हैं प्यार से। अच्छा अच्छा बाबर साहब, आप ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भैया शॉकर रिपेयर हो रहे हैं। अच्छा, किस चीज के शॉकर है ये? ई रिक्शा के शॉकर है भाई। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे आप मतलब हर तरीके के शॉकर रिपेयर करते हैं? हाँ जी हाँ जी। बताएंगे कि इसमें क्या चीज खराब हो जाती है जिस वजह से शॉकर जो है बदलना पड़ता है? कि इसमें अगर ये चीज नॉर्मली तो इसके अंदर सील वगैरह कट जाती है। अच्छा, सील होती है इसके अंदर? ऑयल सील होती है जो तेल को प्रेशर को रोक के रखती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सील कटने से तेल बाहर आ जाता है, प्रेशर टूट जाता है। अच्छा अच्छा, काम करना बंद कर देता है। बहुत बढ़िया, तो उसकी वजह से जो है शॉकर को दोबारा से बनाना पड़ता है। तो जैसे शॉकर की सील लीक हो जाती है वो आप बना देते हैं? सील दूसरी चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये नई सील होती है इसकी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है नई सील है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिखती है, और पुरानी वाली जो सील थी वो इनकी खराब हो गई थी जो कि इन्होंने दिखाया। अब इसको किस तरीके से अंदर डालेंगे थोड़ा दिखाएंगे? ऑयल सील होती है इस तरह से। अच्छा, शॉकर के अंदर फिट होती है इस तरह से, आप देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ये ऑयल को रोक के रखती है? जी जी जी। अच्छा, इसको हम इस तरह से, इसमें एक लॉक होता है। अच्छा, वो लॉक निकालने के बाद में इसको निकाल देते हैं बाहर। अच्छा, ये बाहर आ जाती है? हाँ जी। फिर ये बाहर निकल के फिर इस तरह से ये नई होती है सील, उसको ठोक देते हैं। अच्छा, नई वाली सील को आप ठोक के ऊपर से वो रोड बाकी फिट करते थे, कंप्लीट इस तरह से हो जाता है फिर ये। अच्छा, फिर ये इसमें रोड लग जाती है? जी। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, जिससे कि इसमें प्रेशर आएगा। अच्छा, तो इसमें ऑयल का कुछ ग्रेड होता है या फिर क्या? हाँ, 40 नंबर। अच्छा, 40 नंबर का जो इसमें ऑयल जाता है? सब में अलग अलग होता है, सब गाड़ियों का अपना अपना अलग अलग है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अंकल जी ने बताया सब गाड़ियों का अलग अलग ऑयल का हिसाब होता है, उसी के हिसाब से जो है हर शॉकर में ऑयल डाला जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ऑयल डाल दिया। अभी इसको चेक कर रहे हैं इसमें कि अच्छा जंप आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सही चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये तेल डाल दिया हमने इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ये कैप लगा देंगे। अच्छा, जिससे जो तेल बाहर वापस ना जाए। तेल बाहर ना आए। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कैप लग चुकी है ऊपर से, यहाँ इसे ये रोकेगा इसको, और नीचे से यहाँ सील रोकेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, जो कितने ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पे जो खराब शॉकर था वो यहाँ पे इन्होंने अंकल जी ने तैयार कर दिया है। ऊपर से कैप लगा दी और सील लगा के जो है शॉकर बिल्कुल नए जैसा बना दिया है। अगर आप नया शॉकर लेने के लिए जाएंगे तो आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही कम दामों में आप अपने पुराने शॉकर को भी नया कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है इस टाइम। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं अंकल यहाँ पर दबा के दिखा रहे हैं जो कि शॉकर है प्रॉपर तरीके से पूरा काम कर रहा है। टू व्हीलर फोर व्हीलर सब होते हैं। अच्छा, किसी भी तरीके का शॉकर हो? जी, जी, जी। मतलब आगे का पीछे का? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अंकल जी आप मेरे को ये बताइए, अगर किसी और को भी आपसे शॉकर रिपेयर कराने हो तो कहाँ करा सकता है, अपना एड्रेस बता दीजिए। ये हमारी शॉप पड़ेगी सर रोडवेज बस स्टॉप के पास। अच्छा, अजंता पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा, मेरठ में? जी जी मेरठ में। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करिए द अमेजिंग भारत को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।